Children, hope all of us are doing good. The topic that we will study today is bones and muscles. The things that we will learn are bones, joints, muscles, exercises, and posture. So, let us begin with the bones. Our body makes movements with the help of bones and muscles, the bones are the hard parts of our body. ऑल द बोन्स इन द बॉडी जॉइंट टू फॉर्म अ स्केलेटिन द स्केलेटिन गिव्स शेप एंड साइज टू आर बॉडी तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी हड्डियाँ होती हैं और उन हड्डियों के ऊपर मसल्स होते हैं इन हड्डियों और मसल्स की वजह से हमारी बॉडी मूव कर सकती है चल फिर सकती है जो बोन्स हैं वो हमारी बॉडी के सबसे हार्ड पार्ट में आते हैं ठीक है और जो बोन्स हैं वो आपस में एक दूसरे से ज्वाइन करती हैं जॉइंट्स के थ्रू और ज्वाइन करके क्या बन जाता है एक स्केलेटन स्केलेटन यानी कि हड्डियों का ढांचा ये जो स्केलेटन है ये हमारी बॉडी को शेप देता है और हमारी बॉडी को आकार और साइज भी देता है नाउ इट इज अ फैक्ट देर आर टू हंड्रेड एंड सिक्स बोन्स इन एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी न्यू बॉर्न बेबी हैज नियरली थ्री हंड्रेड बोन्स एट द टाइम ऑफ बर्थ तो जो एक बच्चा जब पैदा होता है उसके अंदर तीन सौ हड्डियां होती हैं लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करके एडल्ट बनता है तब सिर्फ दो सौ छ हड्डियां रह जाती हैं थिंक टैंक हाउ आर डॉक्टर्स एबल टू सी आर बोन्स नाउ लेट लुक एट द और मोर बोन्स ज्वाइं और मीट एट हेल्प टू कनेक्ट द बोन्स इन द बॉडी एंड होल्ड देम इन प्लेस दे ऑल्सो अलाउ अस टू बेंड एंड मूव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी द नी इज जॉइंट इन आवर लेग आवर हैंड्स है क्या है हमारी जो हड्डियाँ हैं दो या दो से ज्यादा हड्डियाँ जहाँ पे मीट करती हैं मिलती हैं उसे जॉइंट कहते हैं और ये जॉइंट्स जो हैं हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी हड्डियां हैं उनको आपस में एक दूसरे से जोड़ के रखती हैं और अपनी जगह पर रखती हैं और इन्हीं की वजह से हम झुकने की या इधर उधर की मूवमेंट कर पाते हैं अगर आप यहाँ पे देखें तो जो हमारा घुटना है यानी कि हमारा नी यहाँ पे जॉइंट है फिर अगर हम अपने हाथ को देखें तो यहाँ पे जॉइंट है और जो उंगलियाँ हैं यहाँ पे जॉइंट है तो बहुत सारे जॉइंट्स हमारे सिर्फ हाथ में ही होते हैं इसी की वजह से हम अपने हाथ से इतने सारे मूवमेंट्स कर पाते हैं नाउ लेट अस लुक एट द मसल्स मसल्स आर सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट आर फाउंड अंडर द स्किन दे आर अटैच टू द बोन्स इन आर बॉडी वी हैव मोर देन सिक्स हंड्रेड मसल्स इन आर बॉडी वी मूव आर बोन्स विद द हेल्प ऑफ मसल्स तो हमारी स्किन के नीचे जो बड़ा सॉफ्ट और फ्लैशी सा पार्ट है उसे मसल्स कहते हैं ठीक है और हमारी बॉडी के अंदर 600 से ज्यादा मसल्स होते हैं और ये जो मसल्स हैं ये बोन्स के साथ या उनके ऊपर अटैच्ड होते हैं हमारी बोन्स की जो मूवमेंट होती है वो इन्हीं मसल्स की वजह से हो पाती है आर मसल्स एंड बोन्स वर्क टूगैदर टू हेल्प अस वॉक स्टैंड रन प्ले एंड डू मैनी अदर थिंग्स मसल्स नीड एक्सरसाइज टू स्टे हेल्दी एंड ग्रो स्ट्रांग तो हमारे जो हड्डियाँ और मसल्स हैं ये जब आपस में मिल कर के काम करते हैं तभी हम चल पाते हैं खड़े होते हैं भागते हैं खेलते हैं या कुछ भी एक्टिविटी करते हैं और बहुत ज़रूरी है कि हम रोज के रोज थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करें ऐसा करने से जो हमारे मसल्स हैं वो हेल्दी रहते हैं और मजबूत यानी कि स्ट्रांग बनते हैं इट इज अ फैक्ट एन एलिफेंट स्ट्रंक हैज अराउंड फोर्टी थाउजेंड मसल्स तो जो हाथी की जो सूंड होती है उसमें फोर्टी थाउजेंड मसल्स होते हैं नाउ अस लुक एट एक्सरसाइज regular exercise makes our bones and muscles strong some common form of exercise are walking running skipping and swimming sports such as football tennis and basketball are also forms of exercise we must exercise regularly to stay fit and healthy agar hame fit and healthy hai, regularly hame kushna exercise karni जिससे हमारे बोन्स और मसल्स स्ट्रांग बनते हैं तो दौड़ना भागना चलना रस्सी टापना यानी कि जो स्किपिंग है वो या फिर कुछ स्पोर्ट्स यानी कि खेल खेलना जैसे कि फुटबॉल टेनिस बास्केटबॉल वगैरह ये सब एक्सरसाइज या उनके फॉर्म्स हैं नाउ लेट अस लुक एट पॉस्चर

बैठते टाइम खड़े होते टाइम या लेटते टाइम अगर हमारा पॉस्चर सही रहेगा हमारी पोजीशन सही रहेगी तो जो हमारी बोन्स और मसल्स हैं वो सही पोजीशन में रहेंगे और हमें टायर्डनेस महसूस नहीं होगी और हम अपने मसल्स को ज़्यादा इंजर नहीं करेंगे तो हमेशा पॉस्चर जो है वो सही रहना चाहिए चाहे आप बैठे हों चाहे आप खड़े हों चाहे आप चल रहे हों लेट्स टेक अ क्विक रीकैप। Our body makes movements with the help of bones and muscles. The skeleton gives shape and size to our body. Two or more bones join or meet at a joint. Muscles are soft parts of the body that are found under the skin. Muscles need exercise to stay healthy and grow strong. So, I hope that this chapter is clear to all. And answering questions based on this chapter will now be easy.